उपायुक्त की अध्यक्षता में महाकुंभ 2025 के तहत दीर्घकालीन अवसंरचना प्रोजेक्ट के संदर्भ में बैठक संपन्न। महाकुंभ 2025 के तहत दीर्घकालीन अवसंरचना प्रोजेक्ट के संदर्भ में चर्चा के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि 2019 कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था, जिसके 225 महाकुंभ के दौरान और अधिक बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, जिससे शहर में ट्रैफिक, साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित रख सके। इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण के साथ ही साथ आरयूबी डेवलपमेंट पर कार्य को तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने साथ ही साथ पार्किंग व्यवस्था हेतु उचित प्लान तैयार करने के लिए कहा है, जिससे कि आवागमन बाधित ना हो, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, जिसके साथ ही साथ कुछ परमानेंट पार्किंग की भी व्यवस्था करने एवं पीडीए के द्वारा उस क्षेत्र का नो इंफ्रास्ट्रक्चर जोन घोषित करने को कहा। मंडलायुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि संगम क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां पर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो सके, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुरूप हो, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के साथ रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया जा सके। इसके लिए उन्होंने कंसल्टेंट ऑफिसर को ड्रोन सर्वे करके इन स्थानों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए संतोष केसरवानी की खास रिपोर्ट।